जम्मू कश्मीर सरकार ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते 6 नोटिस सुंजवा भटिंडी और मलिक मार्केट के इलाके में दिए। उन नोटिस के देने के फौरन बाद सुंजवा और भटिंडी में पिछले 3 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नाराज इस बात पे हैं, उसके चलते आज भी आप देख सकते हैं ये मलिक मार्केट की ईदगाह है, इस ईदगाह में लोग आए हुए हैं और आज भी वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी वो यहाँ पर गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी हैं। मनीष जी, आज आप भी सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए आए हैं जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल जी, लगातार हमारा समर्थन है। जो सरकार आम और गरीब लोगों पर जो है अत्याचार कर रही है, उनके प्रति जो है बिल्कुल भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। वर्बली तो तमाम बीजेपी के नेता, जम्मू कश्मीर प्रशासन, यहाँ तक के LG साहब भी जो है वर्बली बहुत आश्वासन दे रहे हैं, मगर उन्हीं के उच्च अधिकारी इन लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि सरकार किस नीति से चल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी नीतियां बनाई गई, उन तमाम उनमें से कोई भी एक भी नीति ऐसी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जिसका लोगों ने सड़कों पर उतरकर जो है उसका विरोध ना किया गया हो। हमें आश्वासन दिया गया था 5 अगस्त 2019 को कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा। लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, हर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हमें लगा था कि अब प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी सीधे जम्मू कश्मीर को जो है देखेंगे, उनकी रहनुमाई के अंदर जम्मू कश्मीर बुलंदियों पर छुएगा। जम्मू कश्मीर वो जो देश का ताज हुआ करता था, जिसको हम क्राउन ऑफ द कंट्री कहते थे, उस देश का आज ये हाल है। कोई भी जम्मू कश्मीर की सड़क, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं है जहां अलग अलग वर्गों के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नहीं है। पहले हमारे से रोजगार छीना जाता है, हमारे से शिक्षा का अधिकार छीना गया, हमारे से मतदान के अधिकार में भागीदारी की गई, और अब हद तो तब हो गई कि लोगों के पूर्व सरकारों ने, देखिए ये कोई अवैध कब्जे नहीं है इनके पास, पूर्व सरकारों ने इनको जमीन दी है, कई दशकों से इनके पास छोटे छोटे आशियाने हैं। गरीब लोगों को बसाने की सरकार की वो तरीका था कि सरकार ने नीतियां बनाई थी कि गरीब और आम लोगों को बसाया जाए। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन नीतियों की आड़ के अंदर बहुत से लोगों ने, उच्च अधिकारियों ने, बड़े बड़े रसूल वाले नेताओं ने उसका गलत फायदा भी उठाया। अब सरकार को चाहिए कि उन नेताओं के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि गरीब लोगों ने जिनको एक एक पाई जोड़कर अपने दो दो चार चार मरले के अंदर छोटे छोटे आशियाना बनाए हैं, उनको आप एक ही नोटिस के साथ उसको ढहने के लिए तैयार हो गए। सरकार का फर्ज है कि इनका पुनर्वास करे, एक ऐसी ठोस नीति लाए जिससे कम से कम आम और गरीब लोगों को राहत मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन ने पिछले दिनों से 2-3 बार कहा कि 5 से 15 मरले तक के जो लोग हैं जिनके पास आशियाना है सिर्फ ज़मीन के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर, उनको लेकर हम एक स्कीम ला रहे हैं जिस स्कीम में उनको एकोमोडेट किया जाएगा। तो दूसरा ये कि जब मैंने मालूम करने की भी कोशिश की कि नोटिस कितने लोगों को इशू हुए हैं, तो पता चला कि 5-6 लोगों को नोटिस इशू हुए हैं। तो ये आपको कहां से पता चला कि सभी लोगों को नोटिस इशू हुए? देखिए, लोग यहां पर सड़कों पर हैं, लोगों के दिलों में एक डर है। जब सरकार एक या दो, कोई सिलेक्टेड नोटिस नहीं इशू करती सरकार, जब 4 लोगों को 6 लोगों को नोटिस दे चुके हैं, तो बाकी लोगों को भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी नोटिस आएंगे। सिलेक्टेड कार्रवाई तो सरकार नहीं करेगी। देखिए, जनता के दिलों में डर बैठ चुका है बहुत ज़्यादा। इस समय जनता, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनको कुछ नहीं पता लगता कि सुबह उनके साथ क्या होने वाला है, उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता है। और जम्मू कश्मीर की एक खुशहाल राज्यों के अंदर होता था, आज बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हमें तमाम लोगों को अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए भी हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार जिसको कहा जाता है कि जनता की सरकार है और सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि जनता को राहत दे, वही सरकार आज जो है जनता को बेघर करने के लिए तैयार है, उनके आशियाने उजाड़ने के लिए तैयार हो रही है। ये भटिंडी और सुंजवा का मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। RSपुरा के अंदर, तमाम जगह के अंदर लोग, वहाँ के किसानों को जो है खेती बाड़ी के लिए जो जमीन दी गई, उनसे रोजगार छीना जा रहा है उनका। हजारों किसान है जिनका परिवार पलता है उस खेती बाड़ी से, और आज से नहीं 7 दशकों से वो लोग वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे भी जमीनें छीनी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम का जो भविष्य इस समय तय कर रहे हैं, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि वो तमाम बाहरी लोगों को कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर की जनता का भविष्य तय करने का। अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई नीतियां बनानी है, कोई कानून बनाने हैं, तो कम से कम जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाए। हमारे जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे IAS अधिकारी हैं। मुझे बताइए, आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकार ने शुरू की है, जिसमें अगर आपने देखा होगा पिछले इतने दिनों में कई मंत्रियों को,
पूर्व मंत्रियों के साथ साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के परिवार के पास जो जमीन थी वो भी उनसे ली गई। क्या आप चाहती हैं सारी ड्राइव रोक दी जाए? देखिए, सिलेक्टेड कार्रवाई बड़ी मछलियों पर नहीं की जानी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, मगर आप भी शायद भूल गए बीजेपी नेताओं के नाम लेने। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उनको खाली नोटिस नहीं थमा दिए जाए, कार्रवाई को अंजाम देते हुए जनता को दिखाया जाए और उन लोगों को चुना जाए जिन्होंने इस कानूनों का गलत फायदा उठाकर जमीन अवैध कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है। मनीष जी, कैप्टन महान सिंह डीडीसी के चेयरपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रेम सागर अजीज बाहुबली नेता भी हैं और प्रभारी हैं बसोली के, उसके बाद कविंदर गुप्ता 23 कनाल 9 मरले ज़मीन उनसे, उसके अलावा अब्दुल गनी कोहली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं उन्हें नोटिस गया है, उसके अलावा 4-5 और बीजेपी के नेता हैं जिनको नोटिस भी गए हैं और कुछ लोगों से अवैध ज़मीन वापस ले भी ली गई है। देखिए, सरकार का आश्वासन है, एलजी साहब का आश्वासन है, वो बहुत बढ़िया बात है, स्वागत करते हैं अगर उन्होंने इस तरह का काम किया है और उसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी हम देखना चाहते हैं, मगर सरकार का आश्वासन है, एलजी प्रशासन का आश्वासन है। एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब खुद कह चुके हैं कि मैं छोटे आम गरीब लोगों को तंग नहीं करूँगा, बहुत जल्द इनके लिए एक ठोस भूमि नीति लाई जाएगी, वो लाई जाए और इनको वो नोटिस इन लोगों को एटलीस्ट नहीं दिया जाए जिन्होंने छोटे छोटे और कई दशकों से जिन्होंने जो है ज़मीन पर रह रहे हैं, अपने आशियाने बनाए, उनको उजाड़ा नहीं जाए, यही आज हमारी तमाम लोगों की यहां से अपील है। दूसरा, मुझे बताइए क्या आप कॉलोनी को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं या आप इंडिविजुअल एक एक मकान या एक एक घर को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू में ही लगभग 11 कॉलोनियां हैं जो इससे पहले रेगुलराइज हुई हैं, अलग अलग सरकारों ने की हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा आप कॉलोनी के रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हो या आप भी ये कह रहे हो कि जनाब 100 लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो 10 को उनमें से चुनो, उनको क्या कहते हैं आप रेगुलराइज करो, 90 को छोड़ो? नहीं, बिल्कुल कॉलोनी रेगुलराइज होनी चाहिए, जम्मू के अंदर भी पूर्व में हुई है, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा है कि सरकारों ने की है, तो जो जिसको ये अवैध कॉलोनियां कहते हैं, जिसको ये अतिक्रमित कॉलोनियां कहते हैं कि अतिक्रमण हुआ, उन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। जो अलग अलग लोग हैं, जैसे आरएसपुरा में कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है अलग अलग कॉलोनियों के अंदर नहीं बसे, उनको खेती बाड़ी के लिए जमीन दी गई है, उनको भी राहत दी जाए। हमारा टू दी शॉर्ट ये है कि जिन आम लोगों के पास कई दशकों से जमीन है उनको नहीं छेड़ा जाए, उनके लिए कोई नीति बनाई जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए। जो आप मुझे ये बताइए कि सरकार जमीन खाली करवा कर करवाना क्या चाहती है, इन लोगों को उजाड़ कर सरकार क्या करेगी? क्या वही सूट बूट वालों को जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की तैयारी हो रही है? क्या उनके जो है यहाँ पर घर बनाए जाएंगे बड़े बड़े, ये 2-2 मरले के प्लाट लेकर 10 कनाल जगह लेकर क्या उन सूट बूट वालों को दिए जाएंगे या अंबानी अंडानी को दे दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा? तो सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों पर अत्याचार करना बंद करे, यही हमारी अपील है। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि सरकार जमीन के साथ करना क्या चाहती है, क्या सरकारी जमीन के ऊपर कोई भी अवैध कब्जा करे आप इसका मतलब उसको जस्टिफाई करते हैं? अवैध कब्जा और इस कब्जे में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अवैध कब्जा वो है कि इन्होंने जबरन उस जमीन के ऊपर कब्जा किया, अगर सरकार ने इनको जमीन अलॉट की है, सरकार ने इनको आशियाना बनाने के लिए पूर्व सरकारों की, मैं इसमें भी मानता हूं कि पूर्व सरकारों का दे रहे हो, तो ऐसी ठोस कागजात के साथ दो कि कम से कम भविष्य के अंदर इनको कोई भी सरकार आकर तंग ना कर सके, कोई भी सरकार दूसरी सरकार से बदला लेने के लिए इन आम गरीब लोगों को तंग ना करे, इन आम गरीब लोगों को बलि का बकरा ना बनाए सिर्फ इसलिए कि गलत पूर्व की सरकारों ने आपके साथ गलत किया। जब सरकार ने जमीन दी है इनको तो वो किसी तरह की अवैध जमीन नहीं है। हाँ, उस सरकार की जरूर डुलमुल भूमि नीति थी, अब कम से कम दूसरी जो सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है, वही एक ठोस भूमि नीति लाकर इनको राहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, शिवसेना का साफ तौर पर यह कहना है कि ठोस भूमि नीति लाकर सरकार इन लोगों को राहत दे जिन लोगों ने अपने मकान, अपने घर, अपने आशियाने सरकारी जमीन के ऊपर बनाए हैं। सवाल यह है कि सरकार अब आगे करेगी क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी दल इस वक्त एक लाइन में खड़े होकर इस प्रदर्शन के साथ हैं।